हरियाणा में बीजेपी ने चुनावी प्रचार का बिगुल फूंक दिया है और इसका आगाज पीएम मोदी ने रोहतक में विजय संकल्प रैली को संबोधित करके किया। सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के मौके पर विजय संकल्प रैली आयोजित की गई। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सूबे में सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा को लोगों का अपार समर्थन हासिल हो रहा है। रोहतक की मेरी आज की यात्रा के पीछे दो बड़े मकसद है। पहला मकसद, आपको विकास की नई नई परियोजनाओं का उपहार देना और दूसरा मनोहर लाल जी को मिल रहे जबरदस्त जन आशीर्वाद का साक्षी बनने का। विजय संकल्प रैली के पहले सीएम मनोहर लाल जन आशीर्वाद यात्रा के आखिरी दिन जुलाना होते हुए रोहतक पहुंचे, जहां वो विजय संकल्प रैली में शामिल हुए और लोगों को संबोधित भी किया। हम लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा चुनाव से ठीक पहले इसको सभी 90 के 90 विधानसभा में जाकर आप सब लोगों का, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। भाइयों बहनों, ये यात्रा मेरे लिए एक बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, अद्भुत अभूतपूर्व एक अनुभव था। इतनी बड़ी संख्या में गांव-गांव में, शहर के हर कोने में लोगों ने पलके फावड़े बिछाकर यात्रा का स्वागत किया और हमने उनसे आशीर्वाद भी लिया। रोहतक में पीएम मोदी ने विजय संकल्प रैली में लोगों को संबोधित कर हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी सूबे में दोबारा सत्ता वापसी की तैयारी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली बंपर जीत का करिश्मा हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोहरा पाएगी? R9 TV के लिए रोहतक से अंकुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।